किसने पूछा था मेरे से? कुमार ने। हाँ, क्या पूछ रहे थे? कि आपने बड़ा सपना देखना कैसे स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि मैं इससे बहुत बेहतर कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ? मैंने बड़ा सपना तब देखा फर्स्ट टाइम। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी जब इनिशियली मैं 2004 की बात है, हम लगभग 12 लोग थे पूरी इंडियन आर्मी से और सिलेक्ट होकर के महू में एमयू है, आर्मी मार्शमैनशिप यूनिट, तो महू में आर्मी की शूटिंग टीम रहती है, वहाँ सिलेक्ट हो गए, वहाँ चले गए। तो वहाँ के जो सीओ थे कर्नल आईजे पीपल सेना मेडल, उस सीओ साहब ने हमारा एक ब्रीफिंग लिया था। ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कहा, हमारे को स्कोर का टारगेट दिया था और हम फर्स्ट टाइम एयर पिस्टल पकड़ने वाले थे। पहले हम जो शूटिंग करके आए थे वो ओरिजिनल जो आर्मी की पिस्टल होती है 9mm ऑटो ब्रेटा, उससे फायर करके सिलेक्ट हो गए थे। तो लेकिन जब आर्मी टीम में सिलेक्ट हो गए तो नेशनल में तो वो हथियार चलते नहीं है, वहाँ तो ये एयर पिस्टल और ये सब चलते हैं। तो एयर पिस्टल की हमें ट्रेनिंग मिलनी थी एक महीना और एक महीने बाद हमें वो स्कोर मारना था। तो वो जब कुछ बोल रहे थे तो तुम्हारी तरह मेरा दिमाग का फ्यूज कहीं उड़ गया था। तो वो सामने से बोल रहे हैं कि पिस्टल वालों को 555 मारना है आफ्टर 1 month ऑफ ट्रेनिंग और राइफल वालों को 570 मारना है। अगर 570 मारोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो वापस यूनिट भेज दिए जाओगे और वहाँ से गले में AK-47 लटका करके अपना बॉर्डर पर चले जाओगे। तो जब वो पिस्टल के बारे में बोल रहे थे 555 मारना पड़ेगा, तब अपना दिमाग कहीं गायब था। और जब उनकी वो लाइन शुरू हुई कि 570 नहीं मारोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तब मैं वापस आया था वहाँ पर। तो मैंने क्या सुना, मैंने सुना कि 570 मारोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो 55 वाली लाइन गायब होगी, रील कट गई वो मेरे दिमाग से। अब मैं डिस्कस किसी से किया नहीं, जो सुना बोला सावधान जय हिंद करके चले गए। अगले दिन पिस्टलें इशू हो गई। पिस्टल कौन सी, 102 मॉडल, जो ऐसे हाइड्रोलिक पंखुड़ी से ऐसे पंप मार के दो पंप मारते थे, उसके अंदर हवा भरती थी, उससे फिर गोली चलाते थे। ये आज की तरह मोरनीर पार्टनीर स्टेयर ये नहीं था। उस टाइम पे CO2 गे होती थी एक पिस्टल, जिसको बर्फ का गोला बर्फ लेके आते थे थैली में, सिलेंडर पे बर्फ रगड़ते थे, उधर सिलेंडर में चढ़ा दी, उसके बाद सिलेंडर पे बर्फ रगड़ो तो वो गैस अंदर खींचता था। उसके बाद जब टारगेट फटने लग जाए तो पता चला सिलेंडर खाली हो गया, फिर जाओ, कोई मीटर वीटर नहीं होता था। और वो CO2 वाली बर्फ रगड़ने वाली मिलती थी जो अच्छे शूटर होते थे, हमारे जैसे जो बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले थे उनको मिलती थी वो हाइड्रोलिक पंखुड़ी वाली, डोले बन जाते थे उसके पंप मार मार के, वो मिलती थी। तो दो पंप मारो, दो पंखुड़ी क्लोज करो, तब जाके एक गोली लोड करके फायर करो, फिर दोबारा खोलो पंखुड़ियाँ, फिर उसको पैक करो, फिर एक गोली लोड करो। वो पिस्टल नहीं थी जिनकी एक्यूरेसी भी इतनी, दावा नहीं कर सकते कि इतना अच्छा स्कोर है, एक परफेक्ट मारेगी वो पिस्टलें इशू कर दी। तो मेरे हिस्से में आई 100, एक 100 मॉडल होती थी, एक 102 मॉडल होती थी, तो मेरे हिस्से में आई 102 मॉडल मिल गई, पता नहीं फेनवर्क कंपनी की थी या ऐसे कुछ थी वो, तो वो मिल गई। और 10-5 दिन हमारे को होल्डिंग वगैरह कराया, ट्रेनिंग भी, हमारे कोच थे उस टाइम पे कैप्टन जगदीश राम साहब, वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने सिखाया हमारे को। उन्होंने हमारे को 10-15 दिन तो ड्राई करवाई, और 10-15 दिन बाद हमें क्या किया, 5 पैलेट दिए और बोले कि ये उल्टे कार्ड पे चलाने हैं तुम्हारे को, जैसे तुम लोग चलाते हो ना कि सेंटर में एम करो और चलाओ। तो मैंने कहा 15 दिन होल्डिंग करा के 5 गोली थी, वो भी उल्टे पे चलाओ, तो आप हमें टेस्ट कब करेंगे कि हमारी लक कहाँ रही है, 570 कैसे मारेंगे ऐसे 5 गोली में। 5-7 दिन बाद हमारे को 10 पैलेट दिए, 10 पैलेट में से 5 उल्टे पे, 5 सीधे पे। सीधे पे भी क्या करें, 20 क्लिक दाएं की मार लो, 20 क्लिक ऊपर की मार लो और अब चलाओ, तो मतलब सेंटर में तो तब भी नहीं लग सकती, हम जीरोइंग किस दिन करेंगे, अभी तो हमें जीरोइंग ही नहीं पता हमारी कि पिस्टल है क्या। हम 9mm चला के आए हुए और रोबोट को चुप करके गोली कब ट्रिगर दब गया पता ही नहीं चलता था, वो 5 किलो का ट्रिगर, ये आधा किलो का ट्रिगर, तो बड़ा डिफिकल्ट काम था। चलो वो दौर भी खत्म हुआ, महीने भर में ट्रिगर व्रिगर सब समझ में आया, होल्डिंग एक नंबर की थी हमारी, क्योंकि रगड़ा खूब फिजिकल खूब अच्छा करके आए थे, होल्डिंग एक नंबर की थी। ऐसे 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद भी ऐसे ठोक के कहते थे कि टेन ही मारेंगे, लगा ले शर्त लगा दी, ऐसे ऐसे लेवल की होल्डिंग थी।
एक महीना हुआ, एक महीने बाद हमारे को 70 गोली दे दी। 70 गोली में से 10 साइटर के लिए उसी दिन जीरोइंग करनी। जीरोइंग का पता नहीं क्लिक क्या होती है, किधर देते हैं वो कोच ही आएंगे, आकर के देखेंगे कि इधर ग्रुप बना, इतनी क्लिक इसकी लगा दो और अब चला। अब मैच के बीच में क्लिक देने का कोई सिस्टम नहीं है, कोच एक बार दे के सेट कर गया, जैसा कोच को ठीक लगा उसके बाद चलाए जाओ। 9 में ग्रुप बन रहा है कि 10 में बन रहा है कि 8 में बन रहा है, बनने दो उसको। मेरा पहला मैच एक महीने ट्रेनिंग के बाद में था, 562 फर्स्ट मैच एक महीना प्रैक्टिस के बाद में। अब सोचो कि जो सेकंड नंबर वाला था उसका क्या स्कोर रहा होगा, इमेजिन करो, गैस करके बताओ। 550 के नीचे और कोई 565 या उससे कम, 65 या उससे कम। सेकंड नंबर वाले का स्कोर था 534, ठीक है। वो ऐसे दुखी था कि मेरा 55 नहीं पकड़ा और मैं ऐसे दुखी था कि मेरा 70 नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं तो 70 के लिए काम कर रहा था ना, तो मेरे बुखार हो रखी और मेरे को वहाँ सिलेक्शन होना मेरे लिए वो था, जिद थी कि होना ही है, आर्मी टीम में रहना है, आर्मी टीम से खेलना है, इंडिया के लिए वो इंडिया लिखी हुई टी शर्ट पहननी है। आजकल तो दुकानों पर मिल रही इंडिया लिखी हुई, कोई भी पहन लेता है। पहले चित्र मारते थे इंडिया लिखी हुई अगर कोई टी शर्ट पहन लेता था ना, बिना इंडिया खेले हुए लठ मारा करते थे, और ऐसे हर कोई खिलाड़ी ऐसे इंडिया की टी शर्ट नहीं पहन पाता। अब तो ऑनलाइन ऑर्डर करो, कोई भी कंपनी भेज देती है इंडिया लिखी हुई, पहले नहीं होता था ऐसा। आजकल तो इंडिया वाली टी शर्ट की वैल्यू ख़त्म कर दी, पहले नहीं होता था। और पहले एक डेकोरम भी था स्पोर्ट्समैन का भी, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया वो इंडिया की पहनता भी नहीं था, स्टेट को रिप्रेजेंट किया तो अपनी स्टेट लिखी हुई ही पहनता था। आज पहले दिन मम्मी लेके आती बेटा ओलंपियन बनाना है तो पहले टी शर्ट ऑर्डर करती है कि इंडिया की टी शर्ट ऑर्डर कर दो, इसके पहले इंडिया वाली टी शर्ट पहन के जाएगा पहले, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो 562 लगा, 2-3 दिन बाद में फिर एक मैच हुआ उसमें 61 लगा, फिर एक मैच हुआ उसमें 64 लगा, फिर अगले दिन मैच हुआ फिर 63 लगा, फिर 66 लगा, मतलब। और जो दूसरे नंबर वाला था वो वही 35-38-40 के आसपास घूम रहा है और मैं वही 60-65 के बीच में घूम रहा हूँ, मेरे भी 70 नहीं पकड़ में आ रहा है। आखिरी मैच फाइनल हमारे जो CEO थे उन्होंने कह दिया था कि एक लास्ट मैच, 11 मैच हो चुके थे, 12 मैचों में हमारा सिलेक्शन हुआ था, आखिरी मैच उन्होंने बोला कि लास्ट मैच करवा लो अभी निकाल, इसके बाद कोई मैच नहीं होगा। बोल दिया हमारे को कि जो इस मैच में अपना टारगेट अचीव कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा उसका नहीं होगा। तो मेरा लास्ट मैच रहा था 569 का मेरा मैच था, स्कोर कर दिया कोच ने, सुना दिया। मैं बोला कि साहब एक बार कार्ड दिखा दो मैं देख लूँ, एक पॉइंट बढ़ जाए तो क्या पता बात बन जाए अपनी, नहीं तो रह गई। मेरे को कार्ड दे दिए, देखा तो क्लियर था 69 ही था, लेकिन मैं फिर भी एक 9.9 वाले को लेके गया कि साहब ये एक अगर आप दे दो तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो मेरे मुँह की तरफ देखे, एक ही पॉइंट है, देखो मैंने सारे मैच 60 से ऊपर ऊपर मार रखे हैं, एक पॉइंट आपका क्या बिगड़ रहा है। CEO साहब ने बोला था एक ही बार 70 मारो चाहे, लेकिन 70 मारोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं तो नहीं होगा, एक पॉइंट देख लो। तो बोला नहीं 9.9 नहीं तो 9.9 ही है, इसमें 10 कैसे दे सकते हैं, आप मेरा सिलेक्शन का बात है, आप देख लो, मार देंगे, मेहनत करेंगे आगे, खूब निराश नहीं करेंगे आपको, आपको नाच होगा हमारे सिलेक्शन करने पर, फलाना पूरी जो जितनी गोलियाँ दे सकते हैं दी हमने अपनी तरफ से। उन्होंने नहीं बढ़ाया, बोला नहीं तुम्हारा दम है तो मार के लो, टैन ऐसे पकड़ में चाहिए तुम्हारे, बात तो सही कह रहा है, बोल क्या कर सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सही बात के ऊपर तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जो आपको पता है कि सामने वाला सही बोल रहा है, ठीक है जी कोई बात नहीं। फिर मुँह छोटा सा हो गया, मैं वापस जाके बैठ गया, जैसे तुम बैठे हो वैसे ही हम बैठे हुए थे 10 मीटर रेंज के बाहर, पूरी मैनुअल टारगेट थी, ESTनहीं होती थी उस टाइम, नेशनल इंटरनेशनल सब मैनुअल पे ही होते थे, मैंने वर्ल्ड कप भी पेपर टारगेट पे खेले हुए, तो नेशनल तो पेपर पे ही होता था, इंडिया में तो ESTवगैरह स्टार्ट हुआ था 2010 वाले कॉमनवेल्थ के बाद में। तो फिर मैं जब वापस आके बैठ गया तो उन्होंने वापस बुलाया, बोलते इधर क्या बोला था, सिलेक्शन हो जाएगा तेरे एक पॉइंट से। मैंने कहा हाँ 70 बोला था ना CEO साहब ने, तो इसलिए एक पॉइंट बढ़ाना चाह रहा है। मैंने कहा हाँ क्या बोला था CEO साहब ने, बोला 570 मारना है तभी सिलेक्शन होगा।
पक्का होगा। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, ठीक है जब बैठ गया जाके, वो समझ गया कि कहानी क्या हुई। उनको पता चल गया कि ये राइफल वाला पकड़े बैठा है बेटा, इसको पता ही नहीं मौली पूछ को अभी तक कि 70 नहीं, इसका तो 55 था, तो 55 से तो मेरे सारे ऊपर थे, लेकिन मेरे साथ ये नौटंकी हो गई। अच्छा हुआ भगवान ने सही किया जो किया, है ना। फिर सिलेक्शन के लिए पूरा स्कोर वगैरह सीओ साहब के पास चला गया, हमारे 12 लोग थे, 12 के 12 को बुलाया और 12 ही मैच हुए हमारे। बुला करके सीओ ने हमारे सब स्कोर वगैरह देखे और मेरे को बुलाया, बोला गुड शाबाश तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया। उस टाइम पे मोरनी पिस्टल इंडिया में भी और आर्मी टीम के अंदर भी जो मतलब टॉप के शूटर हुआ करते थे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने वाले, उनको मोरनी या स्टेयर पिस्टल मिलती थी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी स्टेयर की इलेक्ट्रॉनिक भी अभी आई है, मोरनी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक होती थी। तो मोरनी बड़ा ब्रांड था कि मोरनी पिस्टल उसको मिलेगी जो मतलब इंडिया में कहीं स्टैंड करने वाला खिलाड़ी। तो हमारे पास उस टाइम 4 मोरनी पिस्टल नए एमयू में आए हुए थे, तो सीओ साहब ने उसी टाइम कहा था कि इस लड़के को जो है नया मोरनी पिस्टल दे दो। सब 4-5 ऑफिसर खड़े थे वहाँ पर, सब एक दूसरे की तरफ देखो कल का रंग रूप नया आया, वो इसको मोरनी तो बोले पुराने जो 20 साल से दिग्गज हैं उनको देते हैं। बोला अरे नहीं इसको दे दो, बोले ये कल से मोरनी से प्रैक्टिस करेगा, आज ही वो लेके आओ डिमांड वमांड बना करके और रजिस्टर साइन कराओ, मेरे साइन लो, इसको कल इशू कर देना मोरनी। ये बोले ये हाइड्रोलिक वाली से फाइट नहीं करेगा। मैं बोला अब मेरे खुश तो था, जब वैसे हुआ तो मुझे पता चला कुछ दे तो कुछ अच्छा ही रहे हैं, तगड़ी चीज़ दे रहे होंगे, लेकिन अब ये नहीं पता मोरनी कौन सी चिड़िया है, ये देखी नहीं थी कभी मोरनी क्या है। मुझे लगा कि कोई मोरनी तो अपने नाम में मोरनी मोर मोरनी बोलते हैं कंपनी में ऐसी। तो मैं खुश भी था कि कुछ बड़ा दे रहे हैं, और जब उन्होंने बोला ये वो हाइड्रोलिक वाली पकड़ी वाली से फायर नहीं करेगी, तब मुझे लगा ये पिस्टल है। मैंने कहा ठीक है कोई अच्छी इससे तगड़ी पिस्टल दे रहे होंगे वहाँ, ठीक है। अब अगले दिन वो उन्होंने पिस्टल ला करके दी, नया डब्बा वब्बा खोला एकदम चमचमाती हुई, मैं उसको पकड़ के जैसे ही उठाया मैं वापस पैक करती हूँ, सर ये वापस पकड़ो अपने वही ला दो, ये अपने बस की बात नहीं है, मैं इसकी तो ग्रिप ही नहीं बैठ रही अपने को। ये मेरे को उसमें शायद 3-4 महीने तक मज़ा ही नहीं आया, और मुझे मतलब अगले 6 महीने तक यही कॉन्फिडेंस था कि मैं जो पुखड़ी वाली है उसी से 580 मार दूंगा, इससे अपने से नहीं लगेगा। उससे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। वो क्यों आया था वो मेरे को 10 साल बाद पता चला कि जो आज अपन ग्रिपिंग स्टाइल सीखते हैं ना लटकाने वाला, उसकी ग्रिप नेचुरली ऐसी बनी हुई थी कि उसको मैं लटका के फायर करता था। मेरे साथ ये भी एक बहुत अच्छा हुआ पहले दिन से ही कि वो ग्रिप ही ऐसी थी कि उसको पकड़ता था तो साइड ऐसे त्रिभंग की भाग जाती थी, तो मैं क्या ढीला छोड़ के लटका देता था। मुझे लगा कि झटका इसमें आता नहीं है, जानी गई है नहीं, ट्रिगर 500 ग्राम का, मैं 5 किलो का खींच के आया था, तो मैं ऐसे आराम से इशारा करता था तो चुप करके जाके टेन लग जाता था, तो मैं उसको पकड़ता ही नहीं था, मैं लटका के फायर करता। 10 साल बाद हमारे वहाँ पे रशियन कोच आया, उसने आके बताया कि पिस्टल पकड़ना नहीं होता लटकाना होता है। तब मुझे लगा यार मैं सही था, मतलब मैं 10 साल पहले इसे लटकाते हुए आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक था, मैं सही कर रहा हूँ, तभी तो इतना जल्दी स्कोर मार गया। तो कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली हुई लेकिन अच्छी हुई, नेचुरली शायद ऊपर वाले की मर्जी थी, मुझे तो नहीं पता था। तब वो सब कहानी होगी पिस्टल पिस्टल की बात होगी, तब वो जगदीश राम साहब ने हमारे सीओ साहब को कहा कि साहब ये बोल रहा है कि 1 पॉइंट कम रह गया सिलेक्शन में, बोले 1 पॉइंट बढ़वाने आया था मेरे पास में। तो बोला अरे 1 पॉइंट बढ़वाने गया था, तो मैंने कहा साहब वो आपने 570 बोला था और 69 रह गया था, तो मैं रिक्वेस्ट ही करी थी साहब, ऐसे तो कोई बात नहीं, मुझे लगा था गए बेटा इसने तो बता दिया सीओ साहब को, तो ये तो लगा देंगे तेरी ड्यूटी व्यूटी लगेगी एक्स्ट्रा कुछ। तो बोले कितने कम रह गए तेरे, मैंने कहा 1 पॉइंट कम रह गया, 69 तक ही पहुंचा, आपने 70 बताया था उस दिन वहाँ पेड़ के नीचे 25 मीटर और 50 मीटर के बाहर खड़े खड़े बात कर रहे थे ना, और आपने कहा था 570 लगेगा तो सिलेक्शन होगा। बोला अच्छा तो इसलिए बढ़वा रहा था आपने, कहा तो तेरे को पता हैगा 570 किसके लिए बोला है मैंने, वैसे बोलते थे स्टाइल उनका ऐसा था। तो मैंने कहा सिलेक्शन के लिए बोला, नहीं सिलेक्शन के लिए बोला था, पिस्टल का था कि राइफल का था ये तेरे को याद हैगा, तो सुना नहीं मैंने ढंग से, लेकिन इतना सुना था लास्ट में कि 570 मारोगे तो सिलेक्शन होगा। वो मेरे पास बुला करके कान मरोड़ के बोला, कभी कभी ना बोला दिमाग आउट होना भी अच्छी बात होती है।
ठीक है, और बोले कि मैंने राइफल के लिए 570 बोला था, पिस्टल के लिए 555 बोला था, 555, और बोला 570 पे तो नेशनल में मेडल आ जाता है पिस्टल में, और उस टाइम पे 562-563-565 के ऊपर नेशनल में सीनियर में फाइनल पे आया था, 570 तो नेशनल में हाईएस्ट होता था 70-75, 2004-5-3 की बात, मुझे पता ही नहीं था कि ये नेशनल नेशनल क्या होता है, कितने स्कोर में फाइनल होता है, तो कहानी पता नहीं थी। तो इस चीज़ से क्या सीखने को मिलता, तुम पूछ रहे हो ना कि सोच बड़ी कैसी होगी, तो ये हादसा हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर सबके सामने ये चीज़ बताई एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर तुम सोच बड़ी रखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी, तो जो छोटी चीज़ है उसको तो तुम वैसे ही पार कर जाओगे। मैं रूम में आकर के मैंने भी ये चीज़ सोची, मैंने कहा यार बात तो सही है। एक मेरा दोस्त था प्रमोद, वो जो सेकंड नंबर पे आया उसका मेरा लगभग 30 पॉइंट्स का गैप था फर्स्ट और सेकंड का ओवरऑल पूरे मैचों के एवरेज में। वो मेरे को बोला यार अच्छा, वो और मैं आर्मी टीम में भी एक जैसा स्कोर मारते थे, गोल्ड सिल्वर भी हमारा ही था जब हम 9 mm से पिस्टल से करके आए थे, तो मेरे टक्कर का शूटर था और हम दोनों एक दोस्त भी थे और बराबर थे, मतलब दोनों यार एक जैसा प्रैक्टिस करते, एक जैसी मेहनत, सब कुछ सही था, तो तूने इतना एवरेज में इसमें गैप कैसे, तेरे को ये वाली शूटिंग इतनी कैसे समझ में आ गई, मेरे तो नहीं पल्ली पड़ी अभी तक, वो मेरे से पूछा बाद में, तब तो मेरे पास जवाब नहीं था कि क्या रीज़न है, लेकिन मेरे को कुछ समय बाद ये समझ में आया कि ये रीज़न सिर्फ सोच का था, कि मेरी सोच थी 570 मारने की, तो मेरी बॉडी और मेरा दिमाग काम कर रहा था 570 के लिए, तो जब 55 लगने को होता था तो उसकी टांगें कांपने लग जाती थी, और मेरे को 55 कुछ लगता ही नहीं था, मेरी टांगें कब कांपती थी, जब 570 के नज़दीक पहुंचता था, इसीलिए मैं 70 से नीचे 69 तक पहुंचा, 70 नहीं पहुंचा, और मुझे ऐसा लगता है आज के दिन अगर उस दिन अगर वो सीओ साहब अगर 80 बता देते तो हो सकता है मैं 78-79 भी पहुंच जाता। सिर्फ सोच का फर्क है कि तुम सोचते क्या हो, तुम्हें मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा नेशनल क्वालिफाई होना, रिनाउंड शूटर बनना, इतना सा टारगेट है, तो तुम उतना ही कर पाओगे, तुम्हारा तुम देख लोगे कि क्वालिफाई कितने पे होता है, 535 पे होता है, तुम 35 के लमसम ही रहोगे। अगर तुम्हारा टारगेट है कि नहीं क्वालिफाई नहीं, मतलब नेशनल का स्कोर मेडल कितने पे गया था लास्ट ईयर, 587 पे गया था, 589 पे गया था, हाँ तो ये मानना है ना, क्वालिफाइंग तो 10,000 शूटर होते हैं हर साल, कोई पूछ रहा है क्या, और पूछ रहा हूँ उनको कितने क्वालिफाई हैं, कोई बुलाता है आज तू नेशनल क्वालिफाई कर रखा आज तेरे को माड़ा बनाते हैं, बोलता है कोई, मेडलिस्ट की जरूर वैल्यू है, उसका एक हिस्ट्री बन गया पूरी जिंदगी भर के लिए, फलाने नेशनल में फलाने आदमी ने नेशनल का मेडल लिया था, फलाने ओलंपिक में फलाने आदमी ने गोल्ड मेडल लिया था, वो एक हिस्ट्री है, क्वालिफाइंग पार्टिसिपेंट कोई नहीं पूछता है कि नहीं, ओलंपियन कितने हैं इंडिया के अंदर पता है किसी को, तो तेरे ओलंपिक मेडलिस्ट कितने हैं गिनती के हैं, नाम बता दो, अभिनव बिंद्रा, गगन नारायण, विजय कुमार, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सबसे पहले 2004 एथेंस में लिया था, चार ही मेडल हैं गिनती के शूटिंग, लेकिन ओलंपियन कितने 50 से ज़्यादा होंगे, जोड़ डाल के भी 10 से ज़्यादा के नाम याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा गोल जो है, तुम्हारा दिमाग के अंदर जो तुम सोचते हो कि मेरे को ये बनना है, इस लेवल तक मैं पहुंच सकता हूँ, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, इसलिए कभी भी छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, स्कोर सोचना है, बड़ा सोचना है, अपना कोई अचीवमेंट है, एम है लाइफ के बारे में, बड़ा सोचना है, गाड़ी सोचनी है, बड़ी सोचनी है ना, अल्टो के सपने क्यों लेने हैं सर, अल्टो होगी अपने पास ऐसे गुड़मुस गुड़मुस करके जाएगी, ऐसा क्यों सोचना है, फरारी होगी अपने पास क्यों नहीं, सपना ही तो लेना है लो, लेकिन फरारी का सपना लोगे तो फॉर्चुनर तक पक्का पहुंच जाओगे, सपना ही ऑल्टो का होगा तो स्प्लेंडर ही आएगी, ठीक है ना, इसलिए सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखोगे तो बॉडी दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और उस चीज़ को अचीव कर जाओगे, लेकिन ऐसा भी मत करना कि सिर्फ बड़े बड़े सोच ही रहे हैं, पिस्टल नहीं उठा रहे हैं, मेहनत भी करनी है, जो तुमने सोचा डिसाइड किया कि गोल ये है, उस गोल के बाद में क्या करना है कि
इस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने घंटे काम करने पड़ेंगे, इतना फिजिकल चाहिए, इतना मेंटल चाहिए, यह डाइट चाहिए, ये दोस्तों को छोड़ना है, ये मोबाइल को छोड़ना है, ये हाय हल्लो छोड़ना है, तू कैसी है, मैं कैसा हूँ, तूने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, मीठा नहीं लगा, आज नींद नहीं आई, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया में कुछ अलग बनना है, स्टार बनना है, तो कुछ मौज मस्ती तो छोड़नी पड़ेगी ना। जो तुम्हारे साथ वाले स्कूल में कॉलेज में वो जो मज़े ले रहे हैं, अब तुम सोच रहे हो वो मज़े भी मैं ले लूँ, शूटिंग में भी मैं स्टार मैं ही बन जाऊँ और उसके बाद में जो है वो फरारी में भी मैं ही घूमूँ, तो सारे मज़े तो नहीं ले सकते है कि नहीं। तो इसे सोच का खेल है। मेरे साथ वालों में मैं इस लेवल तक आया क्यों, क्योंकि उनकी मेरी सिर्फ सोच में फर्क था, एट द एंड मैंने निचोड़ यही निकाला कि मेहनत में कोई कमी थी, मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले भी थे, लेकिन सिर्फ सोच में फर्क था। वो जहाँ सोचते थे नेशनल खेलने की, मैं सोचता था नेशनल मेडल की। वो जहाँ सिर्फ इंटरनेशनल खेलने की सोच रखते थे, मैं सोच रखता था इंटरनेशनल मेडल लेने। उन्होंने जैसे ही खेला उनका गोल पूरा हो गया, मैंने खेला तो मेरा गोल पूरा नहीं हुआ, मेरा गोल था मेडल का, मेडल तक पहुंचा। पहला मेडल मेरा ब्रॉन्ज था इंटरनेशनल में, गोल्ड की सोच रखता था, पहला मेडल था ब्रॉन्ज, दूसरी बार सिल्वर मिला, तीसरी बार में गोल्ड मिला, तब जाके गोल चेंज किया, नहीं अब तो 10 गोल्ड लेने, 10 गोल्ड भी ले लिए, 10 गोल्ड लेते लेते उम्र होगी, उसके बाद में सोचा कि अब ठीक है पीछा छोड़ देते हैं इसका, बीच में कुछ गलतियां नहीं थी कि ओलंपिक वाला नहीं ले पाए बीच में, गलतियाँ हर आदमी करता है, मैंने गलतियाँ की उसकी, मैं भुगत रहा हूँ, तुम गलतियाँ करोगे तुम भुगतोगे, है कि नहीं। सारा खेल किस चीज़ का है, सोच का है, क्या सोचते हो, गोल क्या है, गोल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। मूवी है द सीक्रेट, उसकी सब पहले बुक आई थी, बुक बहुत अच्छी, उसके ऊपर मूवी भी बनी, उसमें कहते हैं योर थॉट्स विल बिकम थिंग्स, जो तुम सोचोगे तुम्हारे विचार ही घटनाओं में परिवर्तित होंगे, तुम्हारे विचार ही घटना बनेंगे, तुम्हारे विचार ही, जो आज विचार कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे, गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा खाना है, तो आधे घंटे बाद जाके बाहर निकलते गोलगप्पे का ठेला मिल जाएगा पक्का तुम्हें, तो 10 का नोट भी छुट्टा मिल जाएगा, बोले अरे पढ़ाई है ना खा ले, गुम हो जाएगा क्या, तो गोलगप्पा खा लो। तो जो तुम्हारे विचार थे वो घटना घट गई ना, तो विचार ही घटना बनेगी, गोलगप्पे का सोचोगे ही नहीं तो गोलगप्पे का ठेला निकल भी गया, 10 का नोट छुट्टा भी पड़ा है तो भी नहीं खाओगे। तो इसलिए ये बड़ी सोचने वाली बात है कि तुम सोचते क्या हो अपने बारे में, तुम्हारी सोच क्या है खुद के बारे में, तुम्हारा गोल क्या है और उस गोल के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर अपने गोल पे कॉन्फिडेंस है कि तुम ये कर लोगे तो तुम कर लोगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हारे, भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान भी क्या बोलता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरी की पूरी विल पावर से अगर तुम किसी काम को करने में लग गए तो भगवान खुद कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता। रावण ने सीता जी का हरण किया था ना, पूरी विल पावर से किया था, कामयाब हो गया, कर ले गया वो, ठीक है। इधर राम जी भी पूरी विल पावर से पेलने के लिए गए थे, पेलाया उसको, भगवान क्या कहते, भगवान रोकने को रोक नहीं सकते थे क्या, रावण रावण को देख नहीं रहे होंगे क्या, भगवान रोक सकते थे ना, वो तो चाहे तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने आपको हाथ पैर दे के छोड़ रखा है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, जो करोगे परिणाम तुम्हें भुगतना है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरी की पूरी विल पावर से 100% डिवोटेड होकर के, डेडिकेटेड होकर के, डिसिप्लिन होकर के अगर तुम कुछ डिसाइड करते हो और उसके लिए काम करते हो तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, चाहे तुम अच्छा कर रहे हो चाहे तुम बुरे काम कर रहे हो, मेरे हाथ में भी नहीं है तुम्हें रोकना। तुम उस वक्त इतने ज्यादा बलवान हो जाते हो कि मेरे से भी नहीं रुकोगे। वो पूरी की पूरी 100% विल पावर तुम किस दिन यूज करोगे ये तुम्हारे हाथ में है ना। 100% जिस दिन तुमने अपना लगा दिया ना, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हो नहीं सके।
बुझे हो, घुसी है गजे में बात है, अब पता चल गया गोल, मेरा गोल कैसे, मेरी सोच कैसे बड़ी हुई थी, सोच का खेल है। ठीक है, मौज लो, कल की छुट्टी, परसों मिलते हैं।